ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल। सो आज का दिन मेरे लिए इतना स्पेशल है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। आज है मंडे 23rd जनवरी, यानी मेरी वेडिंग एनिवर्सरी। मेरी नहीं, करेक्शन, हम प्रकाश जी और मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है और मंडे है तो वर्किंग डे है, तो उनको जाना पड़ा और मुझे तैयारी करनी है। अभी मैं नहा के फटाफट अभी तैयारी करूँगी और जो भी तैयारी होगी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। हमने शाम को छोटा सा गेट टुगेदर रखा है, फैमिली फ्रेंड्स आएंगे, ज़्यादा लोग नहीं आएंगे, मतलब 2-4 फैमिली फ्रेंड्स हैं तो उन सबको बुलाया है। छोटा सा पार्टी भी करेंगे हम लोग। एंड आई मिस माई फैमिली, मैं उनको बहुत मिस कर रही हूँ। मेरे इन लॉज, मेरी मम्मी पापा, सोनी, सूरज, पूनम, रानी, सबको मैं बहुत मिस कर रही हूँ आज के दिन। अगर मैं वहाँ पे होती तो इतना मतलब मज़ा आता, सब लोग इतने अच्छे से सेलिब्रेट करते बहुत, बट कोई नहीं, कभी कभी होता है। बहुत हो गया इमोशनल ड्रामा, इससे पहले मैं ज़्यादा बोलूँगी ना मैं रो पड़ूँगी सच में आज के दिन भी। बस कोई नहीं, मिलेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे, पर आज के दिन हम लोग चलते हैं, तैयारी करते हैं और आप लोग मेरे साथ रहना और एक एक चीज़ सेलिब्रेट करना हमारे साथ। सो लेट्स गो। एंड यहाँ पे मेरी फ्रेंड इति मेरी हेल्प करने के लिए आ रही है, मेरे काम में हाथ बताने के लिए। शी इज वेरी स्वीट। यहाँ पे हम चिकन बनाने की तैयारी कर रहे हैं। वैसे तो बहुत सारा डिश बना था, चिकन बना था, मटर पनीर एंड दाल एंड राइस। एंड यहाँ पे मेरे पति डेकोरेट कर रहे हैं, अपनी एनिवर्सरी में काम करना पड़ रहा है हमें। चिकन इसमें मरना, ये थोड़ा सा बड़ा वाला है। कौन सा इसमें? अरे मतलब कि कढ़ाई इधर करो, ये बड़ा वाला चूल्हा है। ओहो, वो पता है मुझे, वो ऐसी जगह तो है। यहाँ पे हमने सब कुछ फटाफट बना के तैयार कर दिया है, हमारी डेकोरेशन भी हो चुकी है, हमारा खाना भी बन चुका है, फटाफट हमने सब कुछ बना लिया। थैंक्स टू ईति एंड घोष दादा हेल्पिंग के लिए। बड़ा पीस ले लो। ब्लू है ना कलर, अच्छा आएगा। बोलो हैप्पी एनिवर्सरी करके कुछ कह रही है दोनों। एक बार तो हैप्पी बर्थडे सॉन्ग सुनने में ठंड करनी सॉन्ग गाना लगाओ फिर। आज अंगूर खाओ आप लोग। अलग हाँ, क्या करना है? आकर आकर नाइन मिनट्स रहेगा। वैसे डिस्ट्रीब्यूशन नंबर, यही हमारा हस्बैंड अभी आ गए ना। रुको रुको रुको, दीदी उसको दे दो। अरे बस खत्म कर दो। गुड।
अभी केक गाड़ी नहीं आ रही ना इधर। बर्थडे है, एनिवर्सरी बोलो। तुम्हारा का बर्थडे? मेरा बर्थडे नहीं है। हाँ तुम्हारा बर्थडे है। नहीं मेरा बर्थडे नहीं है। हाँ तुम्हारा बर्थडे है। नहीं मेरी एनिवर्सरी। बोलो बोलो क्या है। एंड ऑल्सो थैंक्स अनुश्री दीदी एंड सरस्वती दीदी, आप लोगों ने बहुत हेल्प किया सबको संभालने के लिए। थैंक यू सो मच। लेडीज क्या ख्याल है इनका। ओके गाइस, तो इट्स अ टाइम टू अनबॉक्सिंग द गिफ्ट्स। इन्होंने पूरा पहाड़ इकट्ठा करके रख दिया है सारा, जैसा कि देख सकते हो, पहाड़, गिफ्ट का पहाड़। चलो हम अनबॉक्स करते हैं सारे गिफ्ट, क्या क्या मिले हैं एनिवर्सरी पे। ठीक है, सो देखते हैं कौन। सबसे पहले खोलेंगे हम अनुश्री दीदी का। अनुश्री दीदी और सिंघा दादा ने जो दिया है खोलो। अपने पति को अब गरम गरम खाना दूंगी। सो अब नेक्स्ट है हमारे सर, विजय सर ने जो दिया है, विजय सर और उनके वाइफ ने। ये है आपका ट्री, छोटी छोटी कटोरी। अगर हम कोई गेस्ट आ रहे हैं तो इसमें आप नमकीन डालो, इसमें कुछ भी डालो, बिस्किट डालो, इसमें आप ड्राई फ्रूट्स डालो और सर्व कर दो। अच्छा है, बहुत अच्छा है। थैंक यू सर एंड मैम गिफ्ट के लिए, बहुत ही सुंदर है। नेक्स्ट गिफ्ट है वाली सर का, वाली सर एंड सरस्वती दीदी का गिफ्ट। थैंक यू वाली सर एंड थैंक यू मैम सरस्वती दीदी, थैंक यू फॉर अ गिफ्ट। बहुत सुंदर है, मुझे बहुत पसंद आया। सो दिस इज द स्पेशल थैंक्स टू लाइक
शिलोंग के जो पीपल हैं वो बहुत स्वीट हैं, खासी लोग जो हैं सीरियसली उनको दिल से बहुत बहुत थैंक यू। एक्चुअली एनिवर्सरी की प्रिपरेशन के लिए हम लोग सब्जी लेने के लिए गए थे और आते वक्त बाइक से पूरा जो वेजिटेबल्स है वो सब गिर गया था, पूरे रोड पे बिखर गया था। सब ने मिल के ट्रैफिक रुकवाई और सब ने मिल के सारा जो वेजिटेबल है इकट्ठा किया और कलेक्ट करके हमको, मतलब हमारी हेल्प की, वो बहुत ही अच्छा था। सो दिल से थैंक यू सो मच शिलोंग कि आप लोगों से हमें इतना प्यार मिला उस दिन, हमारे स्पेशल वाले दिन में आप लोगों ने हमें इतनी हेल्प की, आप लोगों ने इतना प्यार किया, थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत अच्छे हो यार, सच्ची बहुत अच्छे, थैंक यू।